सत श्री अकाल फास्ट न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज़ दे विच। पंजाब च विधानसभा चोणां 2022 नूं लैके सियासत पूरी तरह पक्की हुई है। हर एक पार्टी वालों अपने वालों पूरा दा पेच लगाया जा रहा है। सियासी पार्टियां वालों वोटरां नूं लुभाउण लई चोण प्रचार किया जा रहा है। सत्ताधारी भाजपा पार्टी वालों भी चोन प्रचार की खास रणनीति घड़ी गई है। 8 फरवरी यानी कि अज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चोन प्रचार भखाने लिए पहली वर्चुअल रैली करेंगे। कोरोना पाबंदियों कारण प्रधानमंत्री पंजाब च वर्चुअल रैलियां जरिए वोटरां नूं लुभाउण की कोशिश करेंगे। दस दिए कि मोदी अज लुधियाणा ते फतेहगढ़ साहब तो चोन प्रचार की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 3 बजे वर्चुअल रैली जरिए संबोधन करेंगे। भाजपा वालों अधिकारित बयान मुताबिक वर्चुअल रैली का सीधा प्रसारण लुधियाणा फतेहगढ़ के 18 विधानसभा खेत्रां विच होवेगा। पार्टी के सारे 18 विधानसभा खेत्रां च LED स्क्रीन लाई है ताकि वोटर प्रधानमंत्री के भाषण लाइव वेख के सुन सकन। फिरोजपुर विच उस समय मातम छा गया जदों 4 साल की बच्ची की चाइना डोर नाल मौत हो गई। उकत बच्ची बीते दिन अपनी मां नाल स्कूटरी ते बैठ के स्कूल तो वापस घर आ रही सी ते चाइना डोर उकत बच्ची की गर्दन के दुआले फिरन नाल उसकी गर्दन कट गई। लड़की के पिता दलजीत सिंह ने दस्सिया कि बीते दिन उसकी 4 साल की बच्ची अपनी मां दे नाल आ रही सी ते चाइना डोर उसके नाल उसकी गर्दन कट गई। लड़की नूं हस्पताल च दाखिल कराया गया। डाक्टरों वालों उसका इलाज शुरू किया गया पर अज सवेरे लड़की की मौत हो गई है। मृतक बच्ची के रिश्तेदारों ने मांग की है कि चाइना डोर से सख्त पाबंदी लगाई जाए ता जो कोई होर इस हादसे का शिकार न हो। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि एक मुख्यमंत्री जिसके भांजे तो 10 करोड़ रुपए नकद और 56 करोड़ रुपए का सोना ते गैर कानूनी रूप तो प्राप्त जायदाद के कागजात ED वालों बरामद किए गए उसनू किसी भी तरह नाल गरीब नहीं किया जा सकता। अकाली दल के प्रधान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चन्नी के गरीब मुख्यमंत्री होने के दावे संबंधी एक सवाल का हो जवाब दे रहे सन। आम आदमी पार्टी के प्रधान ते मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्यमंत्री चन्नी ते शब्दी हमले किए ने। भगवंत मान ने कहा कि अपने आप नू गरीब कहने वाले मुख्यमंत्री चन्नी कोल करोड़ां रुपए ने। भगवंत मान ने कहा कि चन्नी ने खुद कहा कि वह अपने रिश्तेदारां ते ध्यान नहीं दे रहे जिस करके अजिहा होया। इसलिए जो मुख्यमंत्री अपने रिश्तेदारां ते नज़र नहीं रख सकदा पंजाब ते नज़र किवें रखेगा। स्कूल सिक्ख्या विभाग पंजाब दे निर्देशक ने पंजाब दे समुचे सरकारी मानता प्राप्त एडिड ते निजी स्कूलां दे मुखियां ते सूबे दे समुचे जिला सिक्ख्या अधिकारियां नूं मिति 6 फरवरी नूं इक पत्र जारी करदिआं पंजाब च 6वीं तों 12वीं जमात तक स्कूलां नूं COVID-19 संबंधी नियमां दी पालना करदे खोलण दे हुक्म दित्ते ने। उक्त पत्र विच निर्देशक स्कूल सिक्ख्या विभाग दे ने प्रदेश दे समुचे स्कूल मुखियां नूं स्पष्ट लिखिआ कि दिव्यांग कर्मचारियां ते गर्भवती औरतां नूं स्कूल दफ्तर विच हाजरी तों छोड़ दित्ती गई है ते अपना काम घर तों ही निपरे चाड़नगे। जलंधर जिला देहाती पुलिस दे थाना पतारा अधीन पेंदे पिंड जौलां दे गन्नियां दे खेतां विच इक 16 तों 17 साल दी नाबालिग कुड़ी दी लाश मिली है जिसका गला कुट के कतल होया। खून विच लथपथ नाबालिगा दी लाश बरामद होण नाल लोकां विच दहशत दा माहौल बनिया होया। इस घटना ने उन्हां नूं हिला के रख दिता है। इस संबंधी पुलिस ने नाबालिगा दी लाश नूं कब्जे विच लैके जांच शुरू कर दिती है। लुधियाणा के अमरपुरा नेड़े मेन रोड से एक व्यक्ति ने दिन दिहाड़े एक महिला से चाकू नाल हमला कर दिया। जब व्यक्ति ने महिला के हाथ से चाकू मारा तो उसने रौला पाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुन के राहगीर इकट्ठे हुए तो उन्होंने व्यक्ति तो चाकू खोलिया जिस नाल उसके चाकू लग गया। इस खिचोतान विच एक राहगीर के हाथ से भी सट लगी। लोगों ने मुलजम व्यक्ति नूं फड़ लिया इस तो बाद उसनूं पुलिस के हवाले किया। जिवें जिवें विधानसभा चोणां नेड़े आ रही ने हर सियासी पार्टी अपना चोण प्रचार कर रही है। इस दौरान विधानसभा चोणां विच जलालाबाद हलके तो अकाली बसपा गठजोड़ के सांझे उम्मीदवार सुखबीर सिंह बादल की धी हरकिरत कौर भी चोण प्रचार कर रही है। इस दौरान सुखबीर सिंह बादल ने फेसबुक से अपनी धी के चोण प्रचार की तस्वीरां शेयर कीतिया ने। उन्होंने लिखा है कि अज जदों मैं अकाली बसपा गठजोड़ के सांझे उम्मीदवार वाली पार्टी प्रधान वजो पंजाब भर में वख-वख थावां ते चोण प्रचार तहत रुझिया होया मेरे अपने चोण हल्के विच मेरी धी हरकिरत ने चोण प्रचार की कमान संभाली है। तखत श्री केसगढ़ साहब के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी रघबीर सिंह ने डेरा सच्चा सौदा के मुखी राम रहीम नूं मिली पैरोल ते तिखी प्रतिक्रिया दिंदिया कहा कि भारत सरकार वालों हमेशा ही सिखां दे नाल वितकरा किया जाता रहा है ते उन्हां नूं बेगानगी का एहसास करवाया जाता। उन्हें कहा कि एक पासे सिख बंदी जेलां दे विच पिछले लंबे समय तो अपनी सज़ा भुगतन तो बाद भी बैठे ने तो उन्हां नूं ना पैरोल दिती गई ते ना ही उन्हां नूं आजाद किया गया। परंतु दूजे पासे डेरा सच्चा सौदा के मुखी राम रहीम जिस दे उपर संगीन इल्जाम ने ते उन्हां इल्जामां तहत सज़ा भोग रहा उसनूं सरकार दे वालों पैरोल दिती गई जिस दे नाल पंजाब दा शांतमई माहौल खराब हो सकदा। उन्हां सरकार नूं
ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਏ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। पंजाब दे उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी ने कहा कि आम आदमी पार्टी आप कोल हुन कोई मुद्दा नहीं रह गया। उन्होंने कहा कि हुन तक यह पार्टी लगातार कांग्रेस खिलाफ प्रचार कर रही थी कि उसके कोल मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है तो वह वख-वख चेहरों के आधार से चोन लड़ रही है, पर राहुल गांधी ने बीते दिन चरणजीत सिंह चन्नी के नाम से मोहर लगा के सारिया विरोधी पार्टियां की जबाना बंद कर दी। अरुणाचल प्रदेश बीते दिन आए बर्फीले तूफान च भारतीय फौज की एक गश्त टीम लापता है। गश्त टीम विच कुल 7 फौजी जवान शामिल ने, जिन्हां च हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर का नौजवान अंकेश भारद्वाज भी शामिल है। जानकारी अनुसार 6 फरवरी नूं ही यूनिट गश्त ते सी, इस दौरान बर्फीला तूफान आ गया ते सारे उदों तों लापता हो गए। जवानों की भाल लई मुहिम जारी है। जानकारी अनुसार यह जवान जैक 19 राइफल दे सन। इन्हां 7 जवानों का पिछले 24 घंटिया तो ज्यादा समा बीत जाण मगरों भी कोई पता नहीं लग सकिया। आम आदमी पार्टी वालों मुख्यमंत्री चेहरे के उम्मीदवार लोक सभा मैंबर भगवंत मान ने बठिंडा विखे पत्रकार सम्मेलन दौरान आउंदियां विधानसभा चोणां विच पार्टी की पूर्ण बहुमत नाल सरकार बनाउण दा दावा पेश कीता ते कहा कि पिंडां विच पार्टी नूं पूरा हुंकारा मिल रहा है ते लोक बदलाव चाहुंदे ने, जिस लई आम आदमी पार्टी पहले नंबर ते है। इस मौके पत्रकारां वालों डेरा मुखी नूं 21 दिनां दी मिली पैरोल दे पुछे सवाल ते भगवंत मान ने गोलमोल जवाब दिंदिआं कहा कि इह अदालती मामला है, जेकर पैरोल मिली है तां नियमां अनुसार ही कार्रवाई होवेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा च राष्ट्रपति भाषण के धन्यवाद प्रस्ताव से हुई चर्चा से जवाब दिता। उन्होंने कहा कि सानू यह ध्यान देना है कि अगले 25 साल देश किवें अगे ले जाना है। जो भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरा करेगा, असं देश 100% कोरोना टीकाकरण हासिल करने लई तेजी नाल काम कर रहे हैं। बहादुरगढ़ तो करीब 10 किलोमीटर दूर रोहतक रोड से NCR नहर च देर शाम सरस्वती मूर्ति विसर्जन करनाए 5 नौजवान नहर च डुब गए। इन्हां च दो नूं उत्थे खड़े साथियों ने मौके पर बचा लिया ते पुलिस 3 नौजवानों की भाल भी जुटी हुई है। 3 नौजवानों विचों 1 की लाश बरामद कर ली गई है, जदों की 2 नौजवानों की भाल अजे भी जारी है। जानकारी अनुसार डुबे नौजवानों च दिलखुश शैलेश बिहार के ने ते तीजा नौजवान गौरव यूपी का रहिंदा दस्सिया जांदा है। सूबे दी चोणां विच अमित शाह हुण भाजपा का सब तो सरगर्म चेहरा ने। PM ने शाह तो यूपी चोणां की जानकारी हासिल की, इस तो बाद चोणां च खतरे नूं देखदे हुए मोदी नूं शाह नूं सूबे च भेजण लई मजबूर होना पिया। पिछले साल कुछ दिनों तक शाह नूं शांत रखा गया सी ते उन्हां नूं छोटी जिम्मेवारी दी गई सी। इस दौरान शाह भी ज्यादा सरगर्म दिखाई नहीं दे रहे सन ते अंदरूनी लोगों नूं लग्या कि कुछ गड़बड़ है, पर यह मोदी ते शाह दरमियान ही सी ते किसी तीजे व्यक्ति नूं सुराग नहीं सी मिलिया। इस दे नाल ही खबरां दा सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीआं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई इजाजत दिओ, धन्नवाद। चढ़दी कला फास्ट न्यूज़।